डी मॉर्गन्स लॉ। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, बी के एलिमेंट्स हैं 10, 12, 14, 16। हमें डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है, जो कि ये है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम सबसे पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और यहाँ पर ये है राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम ए इंटरसेक्शन बी राइट आउट करते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, इंटरसेक्शन का साइन, और बी के एलिमेंट्स हैं 10, 12, 14, 16। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन होता है, तो इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नल सेट है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो इसलिए हम वापस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट राइट आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट है इसलिए हमें यूनिवर्सल सेट को पहले लिखना पड़ेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 माइनस ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है वो हम यहाँ पे राइट आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारा नल सेट आया था। बेसिकली ये जो है हमारा आंसर आएगा अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, कि अब हमारे पास यहाँ हम कोई भी चीज़ कॉमन नहीं काट पा रहे, तो अब यही हमारा आंसर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूं करना पड़ता है कि पहले यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। माइनस ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8। अब हम यहाँ 2, 4, 6, 8 क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है, तो हम इसे कट कर देंगे और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा हमारे पास 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इसी तरह हम बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास है बी के एलिमेंट्स, और सबसे पहले हम इसमें भी यूनिवर्सल सेट उतारेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। माइनस बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10, 12, 14 और 16। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन है इसमें है। अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 2, 4, 6, 8 18 और ये 20। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे।
एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारा आया था 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। और यूनिवर्सल सेट यूनियन का साइन और हम बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 18 और 20। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, क्योंकि इसमें जो कॉमन होंगे वो भी हम राइट आउट कर लेंगे। ये हमारा राइट हैंड साइड है।